हेलो दोस्तों, कैसे आप लोग। आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल हिट एंड फिट में। तो आज का वीडियो उन लोगों के लिए है जो बिगनर्स हैं, जो जिम को ज्वाइन करना चाहते हैं। तो आज मैं उन लोगों के लिए कुछ महत्वपूर्ण बातें बताने जा रहा हूँ। तो मेरी कोशिश यही रहेगी कि जो गलतियाँ मैंने की थी तो वो गलतियाँ आप लोग ना करें। इसलिए आपको जिम से रिलेटेड मैं आपको कुछ महत्वपूर्ण बातें बताने जा रहा हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं अपना वीडियो। तो सबसे पहले अपना एक जिम सेलेक्ट करें और कोशिश ये करें कि आपके एरिया में जो नज़दीकी जिम हो उसको ही सेलेक्ट करें। और कोशिश ये भी करें कि पैदल ही जाएं। पैदल जाने से ये होगा कि जब तक आप वहाँ पहुँचोगे तो अब तक आपकी बॉडी थोड़ी सी वार्म अप हो चुकी होगी, जिससे आपको वर्कआउट करने में आसानी होगी। दूसरी बात यह कि वर्कआउट करने से पहले अपना एक टारगेट सेट करें और उसी टारगेट के हिसाब से ही अपने आप को बैकअप करें। टारगेट के हिसाब से अगर आप वर्कआउट करोगे तो आपको अच्छा रिजल्ट भी मिलेगा और अच्छे से आप अपनी बॉडी को बिल्डअप कर पाओगे। तीसरी चीज़ ये कि ईगो लिफ्टिंग ना करें, हैवी वेट लिफ्टिंग भी ना करें, इससे अपने शरीर को इंजरी करने से बचाए रखें। चौथी चीज़ ये कि आप वर्कआउट करते समय अपने आप को हाइड्रेटेड रखें, समय समय पर थोड़ा थोड़ा पानी पीते रहें ड्यूरिंग वर्कआउट एंड प्री वर्कआउट। पांचवी चीज़ ये कि अपने जिम का एक टाइम शेड्यूल करें। अगर मॉर्निंग में जाते हैं तो मॉर्निंग का टाइम बनाएं, अगर इवनिंग में जाते हैं तो इवनिंग का एक टाइम सेट करें। छठी चीज़ ये कि अगर आप वर्कआउट करते समय बीच बीच में पानी पीते रहेंगे तो आप हाइड्रेटेड रहेंगे, इससे आपकी बॉडी डिहाइड्रेटेड नहीं रहेगी। और लास्ट सबसे महत्वपूर्ण बात यह है, अगर आपको किसी भी एक्सरसाइज से रिलेटेड कोई भी क्वेरी हो तो अपने ट्रेनर से ज़रूर पूछ लें, अपने आप ना करें, इससे आपको इंजरी हो सकती है। उम्मीद यह है कि ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद साबित होगा। जो गलतियां मैंने की थी वो गलतियां आप नहीं दोहराओगे। थैंक यू सो मच।